किसी शख्स के शादीशुदा होने से आर्मी में उसकी ट्रेनिंग पर क्या असर पड़ता है? आखिर सेना में मैरिड पर्सन की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछे हैं। कोर्ट इंडियन आर्मी लीगल विंग में भर्ती मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आर्मी के लीगल विंग जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट यानी JAG में शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित करने के नियम पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा दलीलें दे रहे थे। ASG ने कोर्ट में कहा, आर्मी लीगल डिपार्टमेंट में कमीशन मिलने से पहले चयनित कैंडिडेट्स को 11 महीने की कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस पर जस्टिस प्रसाद ने पूछा, शादी एक योग्यता कैसे हो सकती है? क्या एक शादीशुदा इंसान सेना में ट्रेनिंग नहीं ले सकता? इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आपको बता दें कि याचिका खुश कालरा ने लगाई है। इसमें महिला और पुरुष उम्मीदवारों को उनके मैरिटल स्टेटस से परे सेना के JAG विभाग में भर्ती की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील चारू वाली खन्ना ने कोर्ट को बताया कि आर्मी JAG रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अगस्त 2018 में आया था। ये भर्ती लॉ ग्रेजुएट्स के लिए थी। याचिका में कहा गया है कि शादी को क्राइटेरिया बनाने वाला नियम भेदभावपूर्ण है, क्योंकि JAG में नौकरी के लिए उम्र सीमा 21 से 27 साल है, जबकि शादी की कानूनी उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है। इसके मुताबिक न्यायपालिका की अन्य सेवाओं में शादी को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तक शादी से कोई फर्क ना पड़ता हो, इसे शॉर्टलिस्टिंग का आधार नहीं बनाया जा सकता। तो वही कोर्ट ने आर्मी में एंट्री के इस मामले पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए केंद्र को जवाब देने का समय दिया है। इन सवालों को भी एफिडेविट में रखने को कहा है, ताकि इस नियम की वैधता का टेस्ट किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 Digital।